कई दिनों से लापता व्यक्ति की उसके ही घर के अंदर टुकड़ों में मिली लाश। मृतक की पहचान राजेश के रूप में हुई है, जो कि बिहार का रहने वाला है। पुलिस और क्राइम टीम मौके पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी। दिल्ली स्वरूप नगर थाना इलाके में कई दिनों से लापता व्यक्ति की उसके ही घर के अंदर टुकड़ों में मिली लाश। वारदात के बाद इलाके में मच गई है सनसनी। मृतक राजेश कई दिनों से लापता था और जिसकी तलाश की जा रही थी। राजेश की उसके ही घर के अंदर से जमीन में दफनाई हुई लाश मिली है और बताया जा रहा है कि अभी तक सिर का हिस्सा नहीं मिला है। उसके ही घर के अंदर लाश के टुकड़े करके किसी ने जमीन में दफना दिया है। कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर राजेश को किसने मारा और उसके घर के अंदर जमीन में लाश के टुकड़े कर किसने दफनाया। राजेश बिहार का रहने वाला है। कुछ दिनों पहले ही वह यहां पर किराए के मकान में रहने आया था और बताया जा रहा है कि उसके साथ उसकी पत्नी, जिससे उसने लव मैरिज किया था, जो कि उत्तराखंड की रहने वाली है, दोनों का एक बेटा भी है। कई दिनों से राजेश लापता था। आज उसके घर के अंदर से लाश मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल पैदा हो गया है। साथ ही उसके शरीर के कई टुकड़े करके किसी ने जमीन के अंदर दफना दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अभी तक उसकी बॉडी के सिर का हिस्सा नहीं मिला है। शुरुआती जांच में पत्नी पर शक बताया जा रहा है। थाना स्वरूप नगर पुलिस और क्राइम टीम मौके पर पहुंचकर जमीन से राजेश के लाश के टुकड़े इकट्ठा कर रही है। साथ ही अभी तक बताया जा रहा है कि राजेश की बॉडी का सिर का हिस्सा नहीं मिला है। थाना स्वरूप नगर पुलिस और आला अधिकारी मौके पर मामले की तफ्तीश में जुटे। अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली थी और ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे कोई बॉडी जो है दफनाई हुई थी, उसको अभी हम डिस्कवर करवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं, और SDM को भी हमने कॉल कर रखा है। एज पर प्रोसीजर उसको हम कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे ये बॉडी निकल के आएगी, जो हमारे पास फैक्ट्स आएंगे आपसे शेयर करेंगे। सर, एक नाले में सर कटा सर मिला था, क्या हो सकता है कि वो यही वो सर हो? नहीं, अभी इसको हम क्लियरली नहीं कह सकते जब तक ये पूरी की पूरी पुष्टि ना हो जाए, वेरीफाई ना हो जाए। अभी जो काम चल रहा है, एक बार बॉडी पूरी आएगी, फॉरेंसिक में इसकी जांच कराने के बाद आपसे शेयर करेंगे। अभी इसमें जब तक हमारे सामने पूरा मामला खुल के नहीं आएगा, गिरफ्तारी की बात तो उसके बाद ही।